Hello friends, welcome in Baba Hawla. For see our video, search in YouTube Baba Hawla. ये जो आप अभी अभी देखे तो मेरे इन्हीं दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम खाना ऑर्डर कर लिए हैं, तो खाना आ चुका है और ये रहा हमारे सामने चिकन बिरयानी जो कि हम अभी खाएंगे। तो वीडियो बहुत अच्छा बनने वाला है मेरे दोस्त, तो आप देखते रहिए वीडियो को, ठीक है। तो आगे चल के आपको बताते हैं। Are you new or new viewers in Baba Hawla? Then please subscribe my channel and hit the bell icon for never miss any video. तो ये रहा चिकन बिरयानी, तो इसमें तो एक हाड़ी में दिया गया था, तो मैं उससे थाली में ले रहा हूँ क्योंकि ये हाड़ी में खाने में बहुत तकलीफ होता है क्योंकि स्पेस कम है। जी हाँ, स्पेस थोड़ा सा कम है इसमें, तो मैं थाली में भर के ले रहा हूँ, है ना, इससे अच्छा होगा। और एक बात आपको बोलूँ कि यहाँ का जो बिरयानी है वो हमारे यहाँ के फेमस बोला जाता है, और मेरे जो दोस्त लोग है वो भी बोलते है कि फेमस है। और मैंने यहाँ पे बिरयानी कभी भी नहीं खाया। जी हाँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे, तो इसके लिए ये मेरे लिए और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि कैसा है। तो अब देखिए, मैं अभी खाया, तो खाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि भाई जो लोग बोलते हैं लोग, देखो भाई एक बात बोलता हूँ, जो लोग बोलते हो कुछ कुछ तो सही होते भी है। तो यही मैं बोलूंगा कि हाँ भाई अच्छा तो है, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा चढ़कर लोग बोलते हैं, तो उतना अच्छा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ ठीक ठाक है। और दूसरे जो भी है हमारे यहाँ के इस प्राइस रेंज के जो हिसाब से, उससे अगर कंपेयर किया जाए तो, और किसी रेस्टोरेंट के हिसाब से कंपेयर किया जाए तो इसका क्वालिटी उससे बेटर है। जी हाँ, उसका क्वालिटी उससे बहुत ही बेटर है ये मैं बोलूंगा। और हाँ, रायता भी दिया जाता है इसके साथ, जो कि आप अगर साउथ इंडिया से हो तो जानते ही होंगे, और आप साउथ इंडिया से नहीं है, अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक बात सुनने को मिलेगा कि रायता के बिना तो बिरयानी खाना ही बेकार है भाई। जी हाँ, ये बात आपको सुनने को मिलेगा कि रायता के बिना तो बिरयानी खाना ही बेकार है। तो साउथ इंडिया में सिकंदराबाद, हैदराबाद यहाँ पे चले जाए तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि वो सब लोग रायता के साथ बिरयानी खाते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा, रायता भी यहाँ पे दिया जाता है, किसी और रेस्टोरेंट में हमारे यहाँ के दिया नहीं जाता है रायता, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आप देखते रहिए, इस वीडियो को एंजॉय करते रहिए, वीडियो बहुत अच्छा बना है। जी हाँ, तो आपके लिए ये बना रहा हूँ फर्स्ट टाइम, तो एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। और ठीक है, आगे देखते रहिए, मैं और भी बात आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हमें 180 रुपए में बिरयानी मिलता है, चिकन बिरयानी, तो उसके साथ जो आप देख रहे हैं उस सब क्वांटिटी में आपको दिया जाता है, ठीक है ना, ऐसा ही है। तो एक खाते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि क्वालिटी ठीक ठाक ही है, ज्यादा बुरा तो नहीं है, और बहुत अच्छा मैं बोलूंगा तो वो भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि स्वाद तो है लेकिन कुछ मिसिंग था वहाँ पे मुझे लगा, इसलिए मैं ऑनेस्ट रिव्यू में आपको बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा मिसिंग था कुछ। लेकिन और उसका जो माहौल था, एटमोसफियर था, जो सर्व करने वाले थे आप देख रहे वो भी अच्छे थे। और माहौल में एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे डायरेक्ट लाइटिंग है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अब देखेंगे कि जब भी डायरेक्ट लाइटिंग होता है ना तो पिक्चर क्वालिटी खराब होता है, हम जैसे लोगों के लिए दिक्कत वाली चीज है। जी हाँ, क्योंकि आप अगर फोटो खींचते हैं ना डायरेक्ट लाइट जिस भी रेस्टोरेंट या होटल में है, वहाँ पे जाके आप फोटो खींचेंगे आप देखेंगे कि पिक्चर क्वालिटी बहुत ही ज्यादा खराब आता है, क्योंकि जो एक साइड से लाइट आता है, दूसरा साइड से लाइट का जो क्या बोले उसको, लाइट की इल्यूमिनेशन, वो ठीक ठाक नहीं आता है, यही समझ ले आप। और एक बात, इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो डायरेक्ट लाइटिंग ना होकर जो इनडायरेक्ट लाइटिंग होता है जिस रेस्टोरेंट में, वहां पर आप अगर जाएंगे और सेल्फी लेंगे या जो भी लेंगे और फोटोशूट करेंगे तो वहाँ पे आपको पिक्चर क्वालिटी ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। जी हाँ, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, और यही होता है, साइंटिफिकली भी ऐसा ही होता है। तो यही दरअसल मुझे इस रेस्टोरेंट में थोड़ा सा कमी मुझे लगा कि डायरेक्ट लाइटिंग है भाई। और इन लोगों ने एक काम किया था कि होम थिएटर बजा के रखा था, जो वो सोनी का जो आता है वही होम थिएटर लगा के रखा था, पीछे मेरा पीछे एक टीवी है जो कि मेरे वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। और हाँ, हम लोग ये जो बिरयानी हम खा रहे हैं, चिकन बिरयानी, तो चिकन बिरयानी के बाद और एक चीज ऑर्डर हम करे थे, वो था चाउमीन। उस चाउमीन का नाम शायद
कुछ हक्का चाउमीन समथिंग कुछ था, वो मेरा मुझे याद नहीं रहा, कुछ था कुछ लिख के था ऐसा। तो ये चाउमीन भी आने वाला है, तो जब आएंगे तो खाके आपको वो भी बताते हैं कि कैसा है, ठीक है ना। चलिए देखते रहिए, और हाँ इसके साथ म्यूजिक भी इंजॉय करते रहिए, इसमें बहुत अच्छा मैंने म्यूजिक डाला है। नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा, ये जो भी है जैसे भी है वीडियो, कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपके दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर तो कीजिएगा लाइक, और हाँ आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए इंटरेस्टिंग ऐसे वीडियो के साथ। Time after time, you're always right. In every chase, you're always high. Give me up, don't you mind it. Never lost you and I cannot find it. Time after time, I think you lie. Let's get closer tonight. Okay.
इस वीडियो में मैं पूरा कवर नहीं कर पाऊंगा, तो आपके लिए इसके पार्ट टू भी आने वाला है। और आप तो जानते हैं हमारे वीडियो की राइट साइड में जो आई बटन होता है वहाँ पे आपको और भी वीडियो की लिंक देखने को मिल जाता है, हमारे जो भी वीडियो अब तक बने हैं, और वीडियो की जो नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ पर आपको देखने को मिल ही जाएगा सब कुछ इसके बारे में। और पार्ट टू भी इसके बाद मैं अपलोड कर दूंगा। हमारे चैनल को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और जिन लोगों ने खाना पसंद करते हैं, जो लोग मेरी
तरह खाना चाहते हैं या खाना पसंद करते हैं तो उन लोगों को जरूर इस वीडियो शेयर करना, उनको अच्छा लगेगा, ठीक है ना। उन लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, आप अगर हमारे चैनल में नए आए हैं और नए चैनल देख रहे हैं हमारा, तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा हमारे चैनल को, ठीक है ना। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन होता है उसको क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे कोई भी वीडियो मिस ना हो, आप सबसे पहले हमारे वीडियो देख पाएंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास हमारे वीडियो पहुंचा दीजिए। आज हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे वीडियो को बार बार आकर देखने के लिए दिल से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।